नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। बोकारो के नया मोड़ स्थित सरकारी बस स्टैंड लाखों रुपए राजस्व सरकार को देता है, लेकिन यात्रियों को सुविधाएं मयसर नहीं है। प्रतिदिन 25 से 30 बसें इस स्टैंड से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना होती हैं। यहां बुकिंग के लिए भी कोई सेट नहीं लगाया गया है, केवल माइक से बसों के पहुंचने एवं रवानगी की सूचनाएं दी जाती हैं। यात्रियों के लिए शेड, समुचित पेयजल, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं की गई है, लिहाजा यात्रियों को फजीहत झेलना पड़ता है। बगल में प्राइवेट बस स्टैंड भी है। स्थानीय विधायक ने 5 वर्ष पूर्व सरकारी स्टैंड को बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं की जा सकी। बस स्टैंड में जो पूर्व से उपलब्ध था, वह भी चोरों के भेंट चढ़ गया। कुछ पुरानी बसें स्टैंड पर खड़ी थी, जिसके पार्ट्स तक अब यहाँ नहीं है। सरकारी बस स्टैंड में पड़ोस के कूड़े फेंके जाते हैं, सड़क भी नहीं है, लिहाजा बस स्टैंड के बजाय बसें सड़क से खुलती हैं, जिसके कारण सड़कें जाम हो जाती हैं। जो बसें स्टैंड से घुसने की कोशिश करती हैं, उसके निचले हिस्से टूट जाते हैं। स्टैंड मामूली बारिश की तालाब में तब्दील हो जाता है, लेकिन सरकार व जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से गुरेज करती है। कहने को विकास होती रहती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। क्या है यहाँ व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, गाड़ी नहीं घुस पाती है अंदर, तो इसी कारण से रोड में जाम लगता है। रोड का हालत इतना गंदा है स्टैंड का, जो गाड़ी घुसती नहीं, गाड़ी यहीं रास्ते पर रहती है, जाम लग जाता है। ट्रैफिक वाले भी हम लोग को दिक्कत करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गाड़ी घुसती नहीं है। और क्या व्यवस्था, क्या व्यवस्था यहाँ? कुछ भी नहीं है, ना रोड का, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ना सरकार आती, कोई अगर आता भी नहीं देखने के लिए, अगर कोई आ गया देखने के लिए, देख के चला जाता है। किसी को जरूरत पड़ता है, अच्छा गाड़ी में बैठाना है अपना रिश्तेदार को या किसी को, तो आएंगे। एक बार विधायक भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने अपने भगनी को बैठाए, तो हम भी बोले कि सर देखिए ना, यहाँ ना रोड का पता है कुछ, और ना पानी और ना शौचालय, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। तो बोले हम बनवा देंगे। आज 5 साल हो गया, अभी तक किसी तरह से कुछ नहीं हुआ। रास्ते में गाड़ी लगती है, ट्रैफिक जाम होता है, आते ट्रैफिक वाले आते हैं, गाड़ी वाले को मारपीट करते हैं, क्या करेगा, मजबूरी है, रोड पर लगाता है, अंदर घुसना गाड़ी का बम्पर कपड़ जाता है। क्या करते हैं? हम यहाँ पे गाड़ी बुक करते हैं। कौन सी गाड़ी? ये झारखंड दूतगामी का सरकारी डिपो में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज है, मोहम्मद फिरोज आलम। क्या यहाँ यात्रियों को जो भी नहीं है और यात्रियों को ऐसा कोई सुविधा नहीं मिलता? यहाँ यात्रियों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, पेयजल नहीं है, शौचालय होना चाहिए, चूँकि महिलाएं पुरुष को जाते जाते रहते हैं इन यात्रियों को। आप क्या क्या देख रही हैं? शेड तो नहीं है, शौचालय भी नहीं है, बहुत टाइम से रुकना पड़ता है, तो शौचालय में भी जाना पड़ता है। और शेड का जो है ना, वो कार के लिए शेड तो चाहिए, तो यहाँ पर व्यवस्था कुछ अच्छा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा शील। बस से जा रही है? माँ कमला मिश्रा बस से। क्या सरकारी बस है? हाँ, सरकारी बस ही है। क्या व्यवस्था है? बस की सुविधा अच्छी है, बाकी शौचालय की व्यवस्था आप लोग देख ही सकते हैं। क्या लगता है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं जो दी जानी चाहिए है? नहीं, जितना भी किया जाए कम ही लगता है, अगर और किया जाए तो और बेहतर होगा, बेहतर की तो इच्छा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुनीता कुमारी है।